नमस्कार और आदाब। सनीचर अप्रैल की 11 तारीख, पेश है आपके लिए 7 दिन की खबरें। सरकार लोगों को चेतावनी दिए है, वार्निंग दिए है जो लोग नया फालुतावैद का उल्लंघन करते हैं। मिनिस्टर्स होमडल इंडस्ट्री एंड टूरिज्म का स्टेफन संग और स्टुअर्ट खतरो यूस्टिसी एंड पॉलिसी का ये कहते हैं कि पिछले दिनों में बहुत से ऐसे शिकायत जनता की तरफ से अंदर आए हैं कि लोग इस पर गौर नहीं करते हैं। दोनों मिनिस्टरीज जनता को ये बताना चाहते हैं कि यह वेब कंट्रोलर फालुता फरकेर एंड ट्रांसाक्सी कंतोरन जो एक स्टार्स प्लेटफॉर्म द रिपब्लिक सुरीनाम में इसका अफकोन है, इसका घोषणा हुआ है और इसका इन वर्किंग ट्रेडिंग जो है ये भी हो गया है 25 तारीख मार्च 2020 से। ये SB 2020 नंबर 73 में है और ये जो वेट है ये लागू है 25 मार्च 2020 से। तो जो लोग इसका उल्लंघन करेगा उस पर कदम उठाया जाएगा। कोरोना वायरस COVID-19 के बारे में कुछ जानकारी मैं आपको देना चाहते हैं। पिछले हफ्ता हम आपको बताए थे कि लोग जो क्वारंटाइन में रखा गया है उन लोगों को मौका है तो उस क्वारंटाइन में जाने के लिए, लेकिन उसके लिए बफेरिंग का पैसा लोगों को भरना पड़ेगा। इस बारे में काफ़ी हलचल हुआ है, काफ़ी चर्चा सोशल मीडिया पर हुआ है। लोग इस पर इतराज़ पेश किए क्योंकि जो लोग तर्स क्वारंटाइन में जाना चाहते थे उन लोगों को 9,500 SRD भरना था खुद अपने जेब से। ये बात जब लोग इस पर इतराज़ किए हैं तो NCCR का जो कोऑर्डिनेटर है ये आई है और जेरिस लाइनहार्ट जो है ये कहे कि एक गलत फहमी हुआ है, किसी को पैसा भरने की ज़रूरी नहीं है, जो लोग पैसा भर चुके हैं इन लोगों को पैसा वापस मिलेगा। नेशनल फेल खेत का डायरेक्टर दानियाल फेरा पेस्टर कहा था कि फेल खेत के पैसा तो उस क्वारंटाइन में जो लोग जाना चाहते हैं उन लोगों को पैसा भरना है। वजह यह भी बताया गया था कि जिन लोगों को इजाज़त मिला था तो उस क्वारंटाइन में जाने के लिए इन लोगों को घर से निकलना मना था, लेकिन तो भी ये सब घर से निकले हैं और दूसरे के जान खतरे में डाले हैं। स्लेनहार्ट कहते हैं कि उन्हें बहुत अफसोस है क्योंकि सोशल मीडिया पर नाम बफेलिंग्स बद्रेवन का लिया गया है, पेगी बाउटश का और मेलफिन लिंसकेयर का। तो स्लेनहार्ट कहते हैं कि उन्हें बहुत अफसोस है कि बेवजह लोगों का नाम लिया गया है जिनको इस मामला से कोई भी ताल्लुक नहीं है। इस वजह से अब लोगों को कहा गया है तो उस क्वारंटाइन में जाना बिल्कुल मना है, किसी को इजाज़त नहीं मिलेगा तो उस क्वारंटाइन में जाने के लिए हर एक को ओवरहेड क्वारंटाइन में रहना ज़रूरी है। वैसे ये बात सुनकर जो लोग रेसिडेंस इन में और सौरभ होटल में रखा गया था उन लोगों का स्क्रीनिंग भी ओके कर चुके थे, स्कैन हो चुके थे, घर जाने के लिए लोग अपना पैकिंग कर चुके थे, सभी चीज़ लोग तैयार रखे थे घर जाने के लिए, तब जेरी स्लेनहार्ट इन लोगों से कहे है कि अब ये फैसला बदल दिया गया है, अब किसी को इजाज़त नहीं है घर जाने के लिए। और इससे अब ये होगा क्वारंटाइन प्लेकन जो है, जो सरकार का ओवरहेड क्वारंटाइन प्लेकन जो जगह है ये खाली नहीं होगा, इसलिए सभी रेपात्रियासी फ्लुख्तन भी रोक दिया गया है। सूरीनाम के सबसे ज़्यादा लोग इस वक्त ये सब फंसे हैं हॉलैंड में, लेकिन अगर फ्लाइट नहीं रहेगा, रेपात्रियासी फ्लुख नहीं रहेगा तो लोग वापस अपना देश नहीं आ पाएगा और इसमें अब रुकावट डाला गया है, कोई रेपात्रियासी फ्लुख नहीं होगा। हॉलैंड के छोड़कर इंडिया में भी और दूसरे देशों में सूरीनामर्स हैं जो अपना देश वापस आना चाहते हैं, लेकिन इस बारे में कोई जानकारी अब तक नहीं है कब लोग वापस आएंगे। COVID-19 का मैनेजमेंट टीम ये प्रेस कॉन्फ्रेंसी में इतला किए है कि कोई तर्स क्वारंटाइन में नहीं जाएगा और रेपात्रियासी फ्लुख्तन ये इस पर रुकावट डाला गया है। वैसे ये भी हम आपको बताना चाहते हैं कि प्रेसिडेंट डेसी बाउदश एक स्टेटमेंट इसी हफ्ता दिए है और ये कहा है कि वो टॉपर्स के साथ सारामाका गए हैं, वहाँ पर लोगों से गुफ्तगु करने के लिए ये COVID-19 के बारे में, और उसके बाद टेलीविजन पर आकर एक स्टेटमेंट दिए है। उन्होंने कहा है कि सूरीनाम देश पूरी दुनिया की तरह ये सब मुश्किल में है, ये COVID-19 के वजह से बहुत से ऐसे
कारखाना प्रोडक्सी ये बदरायफन जो है और फैब्रिकन जो है ये सब बंद थे, ना सिर्फ सूरीनाम देश में लेकिन दुनिया भर में। इससे देश का काफ़ी हानि होता है क्योंकि प्रोडक्सी नहीं है, आमदनी नहीं है। प्रेसिडेंट कहते हैं कि वो मदद करना चाहते हैं छोटे व्यापारियों का। द क्लाइनमैन ये कहे हैं उन लोगों का वो मदद ज़रूर करना चाहते हैं लेकिन ये देखा जाएगा कैसे इन लोगों का मदद होगा। कोविड टीम के साथ वो इस बारे में बातचीत करते हैं और लोगों से कहा गया है कि ये बिल्कुल समय नहीं है पॉलिटिक खेलने के लिए क्योंकि ये बहुत गंभीर समस्या है। एक साथ मिलकर सभी को इसमें हाथ बटाना है और इसमें मदद देना है। वैसे बहुत से ये भी कहे हैं कि स्टार्च ओरी जो तेल पाए पिछले हफ्ता हम आपको बताए थे एक ट्वेड बोरिंग पर तेल मिला है। तो बहुत से कहे कि सोशल मीडिया पर और ख़बरें भी बाहर लाया गया है कि ये आंदोलन जो स्टार्च ओली का है ये बेचा जाएगा, ये तेल बेचा जाएगा। लेकिन बहुत से कहते हैं कि ये बिल्कुल फेक न्यूज़ है, ये गलत है, ये बिल्कुल सच बात नहीं है। इस बारे में भी मिनिस्टर एन हा का सर्खियो अकिम्बोटो और स्टार्च ओली का डायरेक्टर जो है रुडोल्फ एलियास भी यह स्टेटमेंट बहुत के स्टेटमेंट के बाद टेलीविजन पर आए हैं और कहे हैं कि बिल्कुल सच बात नहीं है। प्रेसिडेंट देसी बौद्ध कल भी एक स्टेटमेंट दिए है और ये स्टेटमेंट में उन्होंने कहा है कि ये जो लॉकडाउन पीरियड है जब मात्र एकलन जो लिया गया था ये जो आफ एन क्लॉक है रात में 8 बजे से सुबह 6 बजे तक ये 2 हफ्ते के लिए बढ़ाया गया है। सभी मातृहलन जो है फरलेंक में ट्वे वेगन ऐसे प्रेसिडेंट देसी बौद्ध शकल कहा है। यह पार्शियल लॉकडाउन जो है मतलब 2 हफ्ते के लिए जारी रहेगा। इससे पहले डायरेक्टर फेलखेत का दानियाल फेरा आए हैं और कहे हैं कि समस्या देश में खासतौर पर खरंस डिस्ट्रिक्ट में काफ़ी गंभीर है। ये चिंता करने वाला समस्या है क्योंकि खरेंस डिस्ट्रिक्टन खरेंस जो है वेस्टर्न और ओस्टर्न में खुयाना की तरफ और फ्रांस खुयाना की तरफ बंद है लेकिन तो भी लोग यहाँ से नदी पार करते हैं, देश में आते हैं और देश से बाहर जाते हैं। ऐसे कहा गया है कि बेनलॉन्ग में लोगों के जान का बहुत ख़तरा है क्योंकि काफ़ी बिस्मैतिंगन है फ्रांस खुयाना में और खुयाना में, और अगर लोग ऐसे नदी पार करते रहेंगे तो ये जो बसमैटिंग है सूरीनाम देश में चंद ही दिनों के अंदर यहाँ पर काफ़ी बसमैटिंग हो जाएगा। और अगर बेनलॉन्ग में ऐसा होगा तो ये सड़क सेक्टर के बस के बात नहीं है, ये मामला जो है हम संभाल नहीं पाएंगे। प्रेसिडेंट देसी बौद्ध से कहने के बाद प्रेसिडेंट देसी बौद्ध से फैसला लिए है ये जो पार्शियल लॉकडाउन है बढ़ा देने के लिए 2 हफ्ते से। और प्रेसिडेंट बौद्ध शाह ये भी कहा है कि ये वीकेंड में फैसला लिया जाएगा, आगे बातचीत होगा फिरोलोहन के साथ और भी फैलखैत के लोगों के साथ, फैलखैत दिनस्तन के साथ, और अगर ज़रूरी पड़े तो हो सकते हैं कि खरंस डिस्ट्रिक्ट में यहाँ पर नोटुस्तान अफकोंदक होगा। ऐसे प्रेसिडेंट देसी बौद्ध शाह कल कहा है ये नोटुस्तान जो है ये डिस्ट्रिक्ट के लिए रहेगा। लॉकडाउन के समय जो लोग पुलिस के बातों पर गौर नहीं करते हैं, बेशतर पुलिस इन लोगों को गिरफ्तार करते थे और 6 बजे सुबह तक ये कैद में रखा जाता था लोगों को और उसके बाद लोगों को घर भेज दिया जाता था। कॉर्पशेफ प्राद रोबर्टो प्राद कहे हैं कि पुलिसी हंटफेस्ट के मुताबिक अब लोगों को 24 घंटे तक कैद में रखा जाएगा जो पुलिस के बातों पर गौर नहीं करेगा और पुलिस के काम में लोग मुश्किल डालेंगे। वैसे 2 लोगों को पुलिस गिरफ्तार किए, उम्र 20 साल से कम है, जो ये दंगा फसाद सड़क पर करते थे लॉकडाउन के समय, और ये लोग बताए है कि बड़े लोग इन लोगों को उकसाए थे ऐसा करने के लिए। ये भी आपको बता दें कि फ्रांस अम्बासादोर जो है अंतवन शोली जो अक्सर खतस्त परसोन पॉजिटिव खतस्त परसोन था सूरीनाम देश में, ये कायन गए थे, वहाँ पर इनका इलाज हुआ है, ये अब तंदुरुस्त हो गई है, बिल्कुल ठीक हो गया, ये वापस सूरीनाम देश आ गया है। और क्लियोपात्रा येसरुन जो फॉलक्स सोसाइटी का डायरेक्टर है प्रेस कॉन्फ्रेंसी पर बुध को कहा है कि अब सूरीनाम में 4 लोग बिल्कुल ठीक है, ये सब तंदुरुस्त हो गए हैं, अभी कुछ लोग क्वारंटाइन में है, ओवरहेड्स क्वारंटाइन में और भी तर्स क्वारंटाइन में है, और 5 लोग इन लोगों का इलाज अभी चल रहा है।
एक आउटसोंदरिंग एक वैध खुदकर हुआ है, ये पास हुआ है पंचघर में, और ये है मंगर के शाम को ये फरखादरिंग दन पंचघर में ये सभा शुरू हुआ है, और बुध के सुबह 9 बजे 27/27 अलगमेन स्तमन के साथ पास हुआ है। 8 लोग इस वैध के खिलाफ ये कानून के खिलाफ वोट किए हैं। मिनिस्टर फिनांसियन का मिनिस्टर होफ्तराज जो है पहले एक प्रस्ताव पंचघर में लोगों के सामने पार्लियामेंटारियंस के सामने रखे एक नोट फंड्स के लिए 400 मिलियन एसएडए का, ये खुदकर भी हुआ है, इसके लिए लोग अपना रजामंदी दिए हैं और इसके लिए कर्जा लिया जाएगा कमर्शियल बैंकन के पास, लोकल बैंकन के पास कर्जा लिया जाएगा ये पैसा के लिए। लेकिन कहा गया है पुसित्सी के जरिए और पुसित्सी के जरिए कि यह बैंक वेद के खिलाफ है, ये आउटसोंदरिंगस्तुस्तांत है जिसके लिए ये वेद बनाया गया है और खुदकर हुआ है पंचकर में। ये मैक्सिमल 3 महीने के लिए रहेगा और फरलेंग हो सकता है, ऐसे वेद में लिखा गया है। ओपोजिशन कहते हैं कि कोविड-19 के लिए जो मातरेखलन लिया गया है सरकार की तरफ से, ये सब इससे सहमत है, ये मातरेखलन लेना ये बहुत ज़रूरी है, लेकिन ये सब इस बात के खिलाफ है कि ये वेद जो है ये वेद ऑफ द स्टार्ट होल्ड और बंक वेद के खिलाफ है, और इसलिए लोग इसके लिए राजी नहीं हुए, इसके लिए वोट नहीं किए है। कॉमेसी का लिट जो था इस वेद में कॉमेसी लिट था, और फेहपे का पार्लियामेंटारी कृष्णा मथुरा कहते हैं कि ये कोविड-19 इस मामले में गलत इस्तेमाल किया गया है। सेंट्रल बैंक फंड सूरीनाम जो है ये कमर्शियल बैंकन को चेतावनी दिए है कि इन लोगों को बिल्कुल इजाज़त नहीं है अगर क्लियंटन जिनके पास एक जिन लोगों को एक फालूता रेकनिंग है बैंकन पर, ये सब अपना फालूता लेने के लिए अगर बैंक पर जाए तो बैंकन को इजाज़त नहीं है इन लोगों को एसआरडी में पैसा देने को। अगर किसी को फालूता की ज़रूरी है और उन्हें एक फालूता रेकनिंग है, जब भी वो अपना पैसा चाहते हैं फालूता चाहते हैं, तो कॉमर्शियल बैंकन को इन लोगों के पैसा देना चाहिए। कॉमर्शियल बैंकन को कहा गया है कि बिल्कुल मना है ये पैसा एसआरडी में भरने को, सिर्फ ऐसा हो सकता है अगर क्लियंट जो है खुद इसका मांग करे। अंतन डकोम यूनिवर्सिटेट फन सूरीनाम ये बंद किया गया है, ये फैसला जो है यूनिवर्सिटेट बस्तूर बुद्ध को लिए है देकानंद से वहाँ बातचीत करने के बाद। सरकार अभी हाल ही में फैसला किए है कि सभी स्कूल जो है बंद रहेगा, कब खोला जाएगा नहीं पता है, तो ये सभी ये फैसला लिए है। सामस होलिंग मेदान 3 पर्सोन का ये मना है, मतलब 3 लोगों को एक साथ इकट्ठा होना, 10 लोगों से ज़्यादा ये मना है, तो ये फैसला लिया गया है ये कोविड-19 का बस मैटिंग जो है इसे फैलने से बचाने के लिए, रोकने के लिए लोग ये फैसला किए हैं कि सभी अंडरवेज एक्टिविटीज जहां पर फिजिक कॉन्टैक्ट ज़रूरत है, जहां पर लोगों को एक साथ आना है एकत्र होना है, ये मना है। ये ज़रूर कहा गया है कि ऑनलाइन कॉलेजेस जो है वर्क ऑप्ट्रक्टन टेक होम टेंटामस और बखलाइडिंग स्टूडेंटन का ये जारी हो सकता है, लेकिन ऑफ स्टूडेंट इसमें रुकावट आई है, इस वक्त मुमकिन नहीं है स्टूडेंटन ऑफ स्टूडेंट हो सके। रेमी तरनाती जो December 2017 में अपना डेना का कुर्सी छोड़कर देसी बने थे कोरोनी का, ये अब देसी का पदवी छोड़ दिए है और इन्हें फिर से कैंडिडेट ठहराया गया है NDP के लिए इलाका कोरोनी में। बुध को इसके जगह पर कोरोनी का जो देसी है नोल्डस नाना बेदक और इनका बनुमिंग हुआ है, और अब नोल्डस नाना जो है ये देसी है कोरोनी का, यहाँ का बागडोर संभाल रहे हैं, और द्रेमी तरनाती जो है ये अब कैंडिडेट है NDP की तरफ से कोरोनी में। कोरोनी में 2 सीटल से और NDP 1 सीटल जो है ये इसे वो अपना सीटल रखना चाहते हैं, लेकिन बहुत से पार्टियों है जो कोरोनी में 1 सीटल हासिल करना चाहते हैं। पहलो का बस होल्डर जो है ये सब काफ़ी गुस्से में है, ये सब एक बार फिर अपना आवाज़ उठाई है, लोग गुजारिश किए सरकार से मिनिस्ट्री फन ओपन बार वर्कन ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन से इन लोगों का सब्सिडी का पैसा जो है ये जो ब्रांड ऑफ सब्सिडी है भरा जाए, क्योंकि सरकार को कई महीने का सब सब्सिडी जो है बस होल्डर को भरना चाहिए।
मिनिस्टर विजय छुटकन ओवेटी एनसी का कहते हैं कि सभी कागजात सभी तैयारियां हो गई है। इनका कलीखा फिनंसिंग का जो है इन्हें पैसा ओवर मार्क करना है बिसाउदिश का। बिसाउदिश का कहना है कि दो हफ्ते से यानी 20 तारीख मार्च से ये सब काम नहीं कर पाते क्योंकि मना है सड़क पर आना। बिस और बौद्ध की बात है, ये सब काम नहीं करते, इसका मतलब है इन लोगों को कोई आमदनी नहीं है और इससे इन लोगों को काफ़ी ये सब मुश्किल में पड़ गए हैं। तो गुजारिश किया गया है सरकार से कि इन लोगों का जो मामला है जितना जल्द हो सके हल किया जाए और सब्सिडी का पैसा इन लोगों को भरा जाए। कुछ बिसौदर्स गुस्से में आकर बीते हुए सोमवार की शाम को लोग कांग्रेस हाल गए थे, जहां पर COVID-19 मैनेजमेंट टीम का कॉन्फ्रेंसी ये प्रेस कॉन्फ्रेंसी चल रहा था और वहां पर लोग कहे हैं कि लोग चाहते हैं जितना जल्द हो सके इन लोगों का पैसा भरा जाए। Vereniging van Apothekers ये सब भी अपना आवाज़ उठाए हैं। ये कुछ समय से अपोथेकर्स कहते हैं कि ज़रूरी दवा और मेदी सहूल मेदलन जो है ऑर्डर करने के लिए, इसे बस्तल करने के लिए इसमें लोग रुकावट आए हैं, लोग वक्त पर नहीं कर पाते हैं और ये है इम्पोर्टर्स के लिए काफ़ी मुश्किल है ये ऑर्डर करने के लिए और इसमें सबसे बड़ा इम्पोर्टर है बे है फेस, ये सबसे अहम इम्पोर्टर है। बहुत से दवा की कमताई है और अगर जल्द में ये इम्पोर्ट नहीं होगा तो सूरीनाम देश में बहुत से लोगों का जान खतरे में आ सकता है। एक अहम कारण है कमताई का ये दवा का कि फालूता का कमताई है, फालूता की ज़रूरी है इम्पोर्ट करने के लिए लेकिन खुद फालूता का कमताई है, इसलिए फालूता का बंदोबस्त करना बहुत ज़रूरी है ताकि दवा और मेडिसिफर ब्रग्स मिडलन हेल्प मिडलन जो है ये इम्पोर्ट किया जाए। एक बार फिर कहा गया है कि दवा और मेडिसिन वक्त पर अगर इम्पोर्ट नहीं होगा तो बहुत से लोगों का जान खतरे में पड़ सकते हैं। इस बारे में Vereniging van Apotheken अपना आवाज़ उठाई है और चाहते जितना जल्द हो सके इस मामले में हल आए। बीते हुए अप्रैल के 9 तारीख कैंडिडेट लिस्ट जो लोग जो पार्टियों पॉलिटिकल पार्टियों चुनाव में हिस्सा लेने वाले हैं इन लोगों को अपना जो कैंडिडेट लिस्ट है इन दिन करना था। 9 तारीख अप्रैल दिन में 3 बजे तक इन लोगों को मौका था और ऐसा भी हुआ है अनेक इलाकाओं के होस्ट स्टैम्प विरोध पर। एनडीपी की तरफ से परमारिबो में लिस्ट रखकर प्रेसिडेंट देसी बौद्ध इस वक्त का प्रेसिडेंट बौद्ध और बाकी 2 जगह पर सीमोन से और 3री जगह पर अंद्रे मिसिकबा है। वानिका में लिस्ट रखकर फिस प्रेसिडेंट अश्विन अधीम, 2री जगह पर रोसैली कोटिनो और 3री जगह पर अमसद अब्दुल है। एनडीपी का जो फ्रक्सी लेदर इस वक्त है और लेसदी और वानिका में इस वक्त का मिनिस्टर ओवेटी एनसी का ये है विजय छुटकन। निकेरी में लैस रहकर हनीषा जयराम है, सरामाका में अरुण संजियावन, कोमवेन में अंसादी, पारा में पैतृक कैंसन हाउस, सिपालीवीरी में सिल्फाना अफनसुवा, करोनी में रेमी तरनादी और ब्रोकोपोंदो में सर्खियो अकिम्बोतो इस वक्त का एनहा का मिनिस्टर। फेहापे की तरफ से परमारिबो में लेस्ट रहकर कृष्णा मथुरा, 2री जगह पर सेड्रिक फन सैमसन और 3री जगह पर रियाक नूर मोहम्मद है। वानिका में चंद्रिका प्रसाद संतोखी लेस्ट रहकर है आशीष कुमार गयादीन 2री जगह पर और 3री जगह पर बेफेल और आएलएस का फोरसेटर जो है रेशमा मंगरे। निकेरी में हारियत रामदीन लेस्ट रहकर है, कोमवेन में डॉक्टर रॉय मोहन लेस्ट रहकर है, सारामाका में राजेंद्र देवी और कहने के बाद जरूरी कि सारामाका में महेंद्र जोगी भी 3री जगह पर है। हाफी बी की तरफ से परमारिबो में माइक नूर सलीम लेस्ट रहकर है और वानिका में तोवीरे जो मरियत है। एसपीआर की तरफ से परमारिबो में 1ला और 2री जगह पर खुनो कस्तलन और रॉबी बेरनस्टेन है। दया एरन नेहंतक की तरफ से परमारिबो में लेस्ट रहकर अंशलिक दल कस्तियो, पालू की तरफ से परमारिबो में जेम हॉक लेस्ट रहकर है और वानिका में हैंक रामनंदन लाओ, प्रो की तरफ से परमारिबो में कुर्तिस हॉफवे जो है ये लेस्ट रहकर है और कहने की बात ज़रूर है कि प्रो की तरफ से अभी हाल ही में जो प्रोटेस्ट मैनिफेस्टासी हुआ था स्टेफानो बीरफ्लिट पाकितो बीरफ्लिट का, ये स्टेफानो बीरफ्लिट प्रो की तरफ से परमारिबो में 3री जगह पर लिस्ट पर है।
बैप की तरफ से परमारिबो में एथार डीकन ही लेस्ट्रेकर, दू की तरफ से परमारिबो में कार्ल ब्रेफेल्ट है और वानिका में स्टीफन अल्फाइसी, स्त्री की तरफ से परमारिबो में फिल सुमिता है और माइशा न्यूज सेफेंट इन द ब्लैक पर है या लेस्ट्यूअर है परमारिबो में। आबॉब की तरफ से परमारिबो में एडवर्ड बेलफोर्ट लेस्ट्रेकर है, मारवेना में रोनी ब्रिंसवेक और दूसरी जगह पर मारियनस बे है, ब्रोकोपोंडो में डियाना पोकी लेस्ट्रेकर है और वानिका में स्टैनली बेथेसर एक्स मिनिस्टर एरओ का। A20 की तरफ से परमारिबो में स्टीफन रेमर लेस्ट्रेकर, NPS की तरफ से परमारिबो में ग्रेगरी रुसलान, PL की तरफ से परमारिबो में पॉल सुमहार्जो और द न्यू विंड की तरफ से परमारिबो में अद्रियानुस इंग्रिड इफोना ये लेस्ट्रेकर है। द न्यू विंड जो है ये सिर्फ परमारिबो, वानिका और मारवेन में हिस्सा लेंगे। ये कुछ नाम हम इतला करेंगे, उन लोगों का नाम हम लेंगे, सभी नाम तो हम नहीं ले पाएंगे ये प्रोग्राम में, जो लोग जाने पहचाने लोग हैं और लिस्ट पर है उन लोगों का नाम हम लिए हैं। मिनिस्टेरी फॉन बेरलान से साकन ये ऐलान किए हैं कि लंस दिनारन या लंस दिनारन से खले खस्तेल दिन जिनका नाम कैंडिडेट लेसन पर आते हैं, ये सब कैंडिडेट या प्लाट्स पर फंगन कैंडिडेट है आने वाले चुनाव के वास्ते, इन लोगों को बुटनगवोने फ्रीस्टेलिंग फन डिंस मिलेगा और ये है जिस दिन से ये कैंडिडेट लेस्टन इन दिन हुआ है अप्रैल के 9 तारीख से लेकर फरकिसिंग के एक दिन बाद यानी 26 मई तक इन लोगों पर नौकरी पर जाने की ज़रूरत नहीं है, इन लोगों को ये डिंस फ्रीस्टेलिंग मिला है। ऐसे हमेशा फरकिसिंग के समय होते हैं, ये कोई नई बात नहीं है। ये आखिरी खबर है आज 7 दिन में, ये पास वीकेंड है, वैसे बहुत से लोगों के लिए ये अच्छे दिन नहीं है क्योंकि क्रिश्चियन लोग जो पास इत्यादि मनाते हैं ये सब गिरजाघर यानी कैरकन नहीं जा पाते हैं, लेकिन तो भी पासन के मौके पर हर एक को हम एक हैप्पी वीकेंड कहते हैं, हैप्पी ईस्टर वीकेंड हम कहते हैं, यह हर एक के लिए ख़ासतौर पर जो लोग ये पास मनाते हैं उन लोगों को हम शुभकामनाएं और बधाइयां देना चाहते हैं। स्टे सेफ स्टे एट होम, घर पर आप रहिए, घर से मत निकलिए, अगर ज़रूरी नहीं है घर से निकलने के लिए तो मत निकलिए। यह ऑफ एंड क्लॉक जारी है 8 बजे रात से सुबह 6 बजे तक, सड़क पर आना बिल्कुल मना है। जैसे आपको पता है सिर्फ एसेंशियल दिन के लिए, फॉर प्लेसर्स के वास्ते, सड़क सेक्टर में जो लोग काम करते हैं और पुलिस मिलिटेरन के वास्ते जो लोग आपके हिफाजत के लिए सड़क पर आते हैं, इन लोगों को इजाज़त है सड़क पर आने के लिए और बाकी लोग जो सड़क पर आते हैं उन लोगों को सरकार की तरफ से इजाज़त मिला गया है, एक कागजात पर लिखा गया है। बाकी के लोग अगर ज़रूरी नहीं है तो सड़क पर आप मत आइए और ये 8 बजे के बाद तो बिल्कुल आप मत आइए। Be safe, stay at home, आप अपना और अपने चाहने वालों का हिफाजत कीजिए और घर पर रहिए। शुक्रिया, नमस्कार और खुदा हाफिज़।